Hello students, how are you? I think you all are fit and fine at your home. I'm Mukesh Kumar, your social science teacher. You all are welcome to the platform of Satyam Shiksha Sadhan online class. Today I'm going to teach geography of class 10, chapter 6. Dear students, some parts I taught in my first videos and the remaining parts in the next topics I will teach today. Okay, so without any delay, I am going to start my class. I taught you about manufacturing industries in my first videos, what is industries and what is meant by manufacturing. Today I am going to teach the topic agro-based industries, cotton textile. Sorry. Classification of industries. I also taught in my first videos, but for better concept, I am going to teach again. Classification of industries. Classification means distribution, bantwara. यानी जो भी industries है उद्योग जो है अलग अलग भाग में इसको बांट दिया जाता है. Industries may be classified as follows. अलग अलग भागों में बांट दिया गया है industries को. On the basis of source of raw material, रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो मीन्स रिलेटेड टू वॉट, फार्मिंग, कृषि से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होता है, जस्ट लाइक कॉटन, सूती जो होता है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल्स. एडिबल ऑयल्स मीन्स जो ऑयल्स हम लोग, जो तेल जो हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो हो गया, बाकी बहुत सारे प्रकार के ऑयल होते हैं जो हम लोग खाते हैं डेली सब्जी के रूप में, उसका सब्जी बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है. एडिबल ऑयल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स. यानी ये जो भी प्रोडक्ट है ये कृषि पर आधारित है. जो भी रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है, कच्चा पदार्थ जो होता है, उससे ये चीज़ बनाए जाते हैं. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. आप इसको नोट डाउन भी कीजिएगा नोट्स के रूप में. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होता है? मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, लेकिन फिर से बेटर कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो वस्त्र होता है, जो कपड़े हम लोग जो पहनते हैं, उस इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग जानेंगे. कपड़ा उद्योग, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्युपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स significantly to industrial productions, 14% employment generations. ये जो textile industries है, ये हमारे जो भारत, जो इंडिया है, ये बहुत ही अच्छा इसका अपना मतलब क्या है, बेस है. किस चीज़ में? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 14% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस कितना होता है? 14%. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स, रोजगार भी इससे बहुत सारा प्रोड्यूस होता है. कोई भी इंडस्ट्री चलता है तो उसमें मैन पावर भी चाहिए. मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. लोकेशन इंडस्ट्री जब एस्टेब्लिश होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स यानी रोजगार भी मिलता है. 35 मिलियन पर्सन, एक्जैक्टली द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर. फर्स्ट, एज वी नो दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है. और कृषि के बाद ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है दूसरे नंबर पर आता है इसका स्थान. ठीक है, लगभग 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है. ये जो क्षेत्र है, जो सेक्टर है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डायरेक्ट रूप से लगभग 35 मिलियन लोग इसमें क्या है, इन्वॉल्व है. एंड फॉरेन एक्सचेंजेज अर्निंग, इससे जो एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, विनिमय, हमारा जो विदेशी जो एक्सचेंज है वो भी बढ़ता है इस इंडस्ट्री से. About 24.6% कितना है फॉरेन एक्सचेंज जो है हम लोग का, लगभग कितना इससे होता है,
24.6%. The first successful textile mill was established in the Mumbai in 1854. सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? महाराष्ट्र स्टेट में. मुंबई कहाँ है? कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है. इन विच ईयर? 1854. 1854 में सबसे पहले मुंबई में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका स्थापना हुआ. ओके, इसको आप नोट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड मीन्स व्हाट? जो कृषि पर आधारित हो. एग्रो मीन्स क्या होता है? जो फार्मिंग से रिलेटेड होता है, जो कृषि से आधारित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल्स. कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में हम लोग जानेंगे. कॉटन टेक्सटाइल्स इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम विविंग टेक्निक्स. पहले के ज़माने में क्या होता था? हाथ से विविंग होता था. हस्तकरघा वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले इससे विविंग का काम होता था. एंड हैंडलूम विविंग टेक्निक एकमात्र माध्यम था पहले के ज़माने में. आज क्या है? आज पावर लूम्स हैं. बिजली से जो चलने वाले जो लूम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे प्रोडक्शन होता है. और पहले के समय में क्या होता था? हाथ से होता था. टुडे देयर आर नियरली 1600 कॉटन्स एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल्स मिल्स इन द कंट्री. लगभग 1600 के आसपास क्या है? कॉटन्स मिल्स है. यानी जो बस जिससे प्रोडक्शन होता है, कपड़े जिससे प्रोडक्शन होते हैं, लगभग मिलों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? 1600 है. इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन. पहले के ज़माने में क्या होता था? जहाँ पर कॉटन की अवेलेबिलिटी यानी जो मात्रा ज़्यादा होती थी, उस एरिया में ही मिल को एस्टेब्लिश किया जाता था. सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेज में. तो क्या था? ये मेन बेस था. लेकिन अब बाकी क्षेत्र में भी इसका प्रोडक्शन मतलब हो रहा है. तो वहाँ पर क्या था कि गुजरात हो गया या महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर जो कॉटन जो था ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था. इसलिए लोकेशन जो इंडस्ट्रियल लोकेशन वहाँ पर ज़्यादा होता था. रॉ कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज लेबर मॉइस्ट क्लाइमेट्स ETC कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन. क्यों होता था? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक पे ध्यान देते हैं हम. रॉ कॉटन मार्केट जो रॉ कॉटन जो था वो बहुत आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाता था. मार्केट चाहिए ना. कोई प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि मैं ही कोई प्रोडक्शन, मेरी कोई कंपनी है, प्रोडक्शन अगर हो रहा है, अब मार्केट में वो बिके नहीं, बहुत सारे अगर प्रॉब्लम्स खड़े हो जाए तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो मार्केट ज़रूरी है. तो मार्केट ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो चाहिए ना. कोई सामान प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि अभी कोई सामान का प्रोडक्शन अभी पटना में हो रहा है, उसको दिल्ली में भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव पोर्ट फैसिलिटीज, पोर्ट्स जहाँ पर समुद्री जो व्यापार होता है, जहाँ से हार्बर भी उसको बोलते हैं. लेबर मॉइस्ट क्लाइमेट्स और लेबर वहाँ आसानी से मिल जाते हैं. मॉइस्ट क्लाइमेट नमी वाला वहाँ जो ज़मीन है, क्लाइमेट है वहाँ का, वहाँ आसानी से ये सब कॉटन का प्रोडक्शन होता है. तो मेन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ये सब मेन फैक्टर्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में. ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जूट टेक्सटाइल्स. जूट हिंदी में इसको पटसन बोला जाता है. इट इज यूज्ड टू व्हाट? मैक्स सैक्स बैग्स बनाने के लिए, थैले बनाने के लिए, बहुत सारा इसका हैंडबैग वगैरह बहुत सारा आइटम्स बन रहा है आजकल जूट से. तो जूट टेक्सटाइल के बारे में हम लोग जानेंगे. जूट टेक्सटाइल्स
इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट्स एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। यानी इंडिया का स्थान दूसरे नंबर पर आता है इस चीज़ में, एक्सपोर्टर में किस चीज़ का, जूट का। फर्स्ट पोजिशन किसका आता है, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का स्थान जूट प्रोडक्शन में पहला है और सेकेंड जो है वो इंडिया का स्थान है। देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया। अभी लगभग कितने जूट मिल है इंडिया में, 70 की संख्या में जूट मिलों की, मतलब जूट मिलों की संख्या कितनी है, 70 है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन, वेस्ट बंगाल। हुगली इज अ रिवर, हुगली बेसिन जो हुगली का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, क्या कारण है कि ये जो जूट्स जो मिल हैं ये हुगली बेसिन में ही ज़्यादातर एस्टेब्लिश हुए थे, जानेंगे हम लोग उसके फैक्टर्स के बारे में। और हुगली कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। हुगली एक नदी है वेस्ट बंगाल में। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरियाज, वहाँ पर जूट प्रोडक्शन का जो एरिया है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाई ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिएट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। और भी फैसिलिटीज हैं, बहुत आसान, बहुत कम खर्च में वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। वाटर की फैसिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और रॉ मटेरियल आसानी से मिल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आप आसानी से एक एक करके आप देख सकते हैं। एबंडेंट वाटर ऑफ प्रोसेसिंग रॉ जूट्स, और जूट्स का जो प्रोसेस करने में वाटर लगता है, उसका प्रोसेसिंग जूट्स जो प्लांट्स होते हैं, फिर उसको रोटेन किया जाता है पानी में, फिर उसको सुखाया जाता है, ड्राई अप किया, बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। तो एबंडेंट पानी भी चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हुगली रिवर है और नदी वहाँ पर है तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, तो ये भी एक मेन कारण है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। लेबर, कोई भी काम जब हम करते हैं या किसी से करवाते हैं तो मैन पावर तो चाहिए, तो लेबर बहुत कम खर्च में मिल जाता है वेस्ट बंगाल में। जूट जो इसको हम लोग सुनते हैं अक्सर कि चटकल भी बोला जाता है, तो ये जो मिल्स हैं इसमें लेबर आसानी से मिल जाते हैं। जो नियरिंग जो स्टेट्स है जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत कम लो कॉस्ट में जो लेबर यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाई द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं इनसे, किस चीज़ से, सिंथेटिक्स सब्स्टिट्यूट, जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट होता है उसके समान, तो ये बाकी देशों से तुलना यहाँ पर किया गया है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हियर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्रीज, तो चीनी का जो उद्योग है ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अधीन आता है, ये भी कृषि पर आधारित है। तो हम लोग जानेंगे शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांसाज। देखिए इसका जो चीनी के प्रोडक्शंस में इसका स्थान कौन सा है, दूसरा है, लेकिन गुड़ जैगरी वगैरह जो होता है, गुड़ खांसारी में इसका जो स्थान है कौन सा है, फर्स्ट, पहला स्थान है। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की हैवी एंड इन हॉलेज इट्स क्रॉस कॉन्टेंट रिड्यूसेस। बहुत सारा इसमें आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रोडक्शन जब किया जाता है चीनी का, इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि गन्ना लाए खेत से और तुरंत शुगर बना दिए, तुरंत जैगरी बना दिए, इसमें भी बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। शुगर का जो प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चैलेंजेज, नाउ वी अब चैलेंजेज के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज, सीजनल नेचर इंडस्ट्री के लिए चाहिए। ओल्ड एंड रेस्ट्रिक्शंस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस, ट्रांसपोर्ट्स डिले इन रीचिंग कैन टू ए फैक्ट्रीज,
नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। अब देखिए बहुत सारा चीज़ है, खेत से कोई गन्ना है और उसको फैक्ट्री में ले जाना है तो भी एक प्रॉब्लम है, तो इसका भी समाधान होना चाहिए। तो मेन मेन फैक्टर्स है, चैलेंजेज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल पे आधारित जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन भी हो गया कि व्हाट इज मीन बाय मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आप इसको नोट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब जो है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टूड बेटर एंड इट इज बेटर टू मेक इट दिस नोट्स इन योर वर्ड्स फेयर नोटबुक्स एंड इफ यू आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ क्वेरीज प्रॉब्लम देन यू डिस्कस इन द ग्रुप एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेन पार्ट्स ऑफ दिस। सो फॉर दिस गुड डे, बाय बाय।